वृंदावन स्थित पागल बाबा मंदिर के सामने करोड़ों रुपए की लागत से बना उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का पर्यटक आवास गृह एवं नंद महल शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते खंडहर हो चुका है। इस आवास गृह को करीब 17 साल पहले कुछ दिनों के सुचारू किया गया था, लेकिन इसके बाद घाटे का बहाना बनाकर इसको बंद कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक यह भवन बंद पड़ा हुआ है, जिसको चालू कराने के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वृंदावन के पागल बाबा मंदिर के सामने करोड़ों रुपए की लागत से बना उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का पर्यटक आवास गृह एवं नंद महल शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते खंडहर हो चुका है। मथुरा के पर्यटन निगम के पास इसकी देखरेख के लिए ना ही कोई बजट है और ना ही कोई योजना। इस संबंध में पर्यटन अधिकारी डीके शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया। वहीं पर्यटक आवास गृह के मैनेजर मोहित गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब सोचना होगा कि करोड़ों रुपए की लागत से बना इस पर्यटक आवास गृह का क्या किया जाएगा, यह सोचने वाली बात है। मथुरा प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं, घर तालाब है कि पर्यटन निगम के पास इसकी देखरेख के लिए सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। तीन साल होने वाली है। अच्छा, आप प्राइवेट हो या सरकारी हो? अच्छा, प्राइवेट है। यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह आता है या खंडर पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या कहोगे? पड़ा है सर, कोई आता नहीं, कभी कभी आते हैं। तो ये सरकारी गेस्ट हाउस में कोई गेस्ट वगैरह या कोई नहीं आता? आपने ऐसे देखा तीन सालों से? आप क्या कहना चाहते हो अधिकारियों से? ये कहना चाहता हूँ सर, चालू करवाओ इसे। चालू करवाओ। ये कहाँ पे है ये गेस्ट हाउस? नंद महल है, ये पागल बाबा से मथुरा रोड पर। प्राइवेट कर्मचारी को रखा हुआ है। उसने बताया कि मुझे तीन साल हो चुके हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आता है। मुनि उसके लिए जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।